नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सिरसा में छठे चरण की पोलिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने भी वोट पोल किया। वे हुड्डा स्थित पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अवंतिका तंवर भी थी। इस दौरान एक मशीन में गड़बड़ी होने की आशंका से उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ भी की, साथ ही साथ बारीकी से मशीनों की जाँच भी की ताकि पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ी न हो सके। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। अधिकार का हमें और मेरी वाइफ ने, हमारे परिवार में भी और सब लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि आने वाले समय में लोग अच्छे काम को देखेंगे। जो हमने 45,000 करोड़ रुपए के काम 2009 से लेकर के 14 तक कराए, अब वो सब धरातल पर है और उसका फायदा लोगों को मिला है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि इस 45,000 करोड़ को 1,00,000 करोड़ के रूप में यहाँ पर इस सिरसा संसदीय क्षेत्र को एक तोहफा दिया जाए, क्योंकि लगातार 5 साल इस इलाके के साथ भेदभाव हुआ। यहाँ का किसान प्रताड़ित रहा, सड़कों के ऊपर कर्मचारी, नौजवान, हमारे गरीब आदमी, हर वर्ग, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कोई ऐसा वर्ग नहीं था तो पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी विरोधी नीतियाँ हैं, हर वर्ग के विरोध में, किसान विरोधी थी, नौजवान विरोधी थी, उद्योग विरोधी थी, हमारे गरीब विरोधी नीतियाँ थी, माताओं बहनों की जिस तरीके से वो सुरक्षा नहीं कर पाई, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के और प्रदेश में जो जंगल राज है उसको समाप्त करने के लिए 5 साल जो संघर्ष किया हमने केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, सभी प्रदेश के नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि आज लोग अपने वोट का उपयोग करके और लोगों का भाग्य आज पेटियों में सील कर देंगे और 23 को जब नतीजे आएंगे तो 23 मई और भाजपा गई का नारा चल रहा है आजकल, तो आज 12 से उसकी शुरुआत होगी और अगले 11-12 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपना साफ इस इलाके से। सिरसा जब बात करें तो साहब कितने आश्वस्त अपने जीत को लेकर? आश्वस्त मैं तो 1000% आश्वस्त हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार इतना मिला है, जहाँ भी हम गए हैं गांव के गांव उठ करके समर्थन में आए, शहर और कस्बे कांग्रेस के साथ मिलकर के चले, और जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आई थी, झूठ की आंधी चली और झूठ की आंधी ने कहीं ना कहीं सच को पिछले 5 साल पहले ओझल कर दिया था, वो सच अड़ी है, अटल है और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता, और सत्य में जयते की जो बात है, सत्य की जीत होगी। और जो हमने वायदे किए हैं, जो वायदे उन्होंने किए थे, 15 लाख के, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देने के, मजदूर गरीब के, किसान के कर्जे माफ़ करने के, और बड़े बड़े और जो प्रोजेक्ट लाने की बात उन्होंने की थी वो नहीं कर पाए। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आने वाले समय में हम न्याय योजना के माध्यम से हर गरीब किसान मजदूर तक 72,000 रुपये पहुँचाने का काम करेंगे सालाना, साथ साथ किसान गरीब मजदूर के कर्जे माफ़ करेंगे, कृषि के लिए अलग बजट होगा, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर बजट को हम दुगना करेंगे। और राहुल जी जिस दिन आए थे 9 तारीख को, हमने उस दिन कहा कि पहले हमने सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया जी के मार्गदर्शन में राहुल जी से गुजारिश करके 45,000 करोड़ लेके आए थे, अब 1,00,000 करोड़ लेके आएंगे और मारुति से बड़ा एक प्लांट यहाँ पर मदर इंडस्ट्री लगे, वो मैं समझता हूँ कि सिरसा वासियों का सपना है और उस सपने को भी हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। बौखलाहट जो है, विरोधी चाहे उनके उम्मीदवार हो, रातों को पैसा बांटा गया, दारू बांटी गई, तमाम चीज़ें हुई गाड़ियों के ऊपर कहीं कहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में पार्टी बना हुआ है। आरोप तो जो भारतीय जनता पार्टी है और जो दूसरे लोग हैं, अब वो तो इसके निकल के आए, लेकिन मोटे तौर पे रातों को खुद भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके घर वाले उनको पकड़ा, लोगों ने चेज किया, पैसे ले लेके घूम रहे थे, तो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो काला धन जनता को लेके आना था विदेशों से, वो काला धन जो यहाँ नोटबंदी और तमाम दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों से अर्जित किया, भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करना चाहती है, लेकिन जनता अपने वोट का दुरुपयोग नहीं करेगी, उसका सदुपयोग
ये फतेहाबाद में कई जगह की घटना है, यहाँ सिरसा की घटना है, हमारे लोगों ने उनको पकड़ा तब तक वो भाग लिए। आपने चुनाव आयोग को करा? रात को मैंने खुद एसपी साहब को फोन किया था, 2:30 बजे की बात है, और उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो संज्ञान में मैं समझता हूँ कि उनके हम ये बात लेके आएंगे। और उनको भी जो प्रशासन है, अगर वो हमारे ही फोन को अटेंड नहीं कर रहे रात को, तो समझ सकते हैं कि कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो रेड अलर्ट पे पूरा मामला प्रशासन होना चाहिए। और आज मेरी यही गुजारिश है सारे प्रशासन से कि वो निष्पक्ष होकर के और मतदान करवाए, ताकि हर व्यक्ति इस लोकतंत्र में अपने वोट का सही तरीके से उपयोग कर सके। बाबा जी, आप भाजपा को आड़े हाथ ले रहे हैं, आईएनएलडी और जेजेपी को, क्या आप मानते नहीं है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि भाजपा को मैं नहीं, जनता आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। और जहाँ तक मामला एनएलओ और जेजेपी का है, तो पूरी तरीके से वो इस चुनाव के बाद अस्तित्वहीन हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है, वो तो जैसे मैंने कहा कि धन का, सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहती है। वो पिछले आंधी में ही हमारे से 1.5-2 लाख पीछे थे, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक तरफा माहौल कांग्रेस का है, हर वर्ग कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार है, 36 बिरादरी हमारे साथ है।